बंगाल में डॉक्टर से सामूहिक बलात्कार और हत्या के विरोध में झुंझुनू में चिकित्सकों का धरना, कैंडल मार्च और सेवाओं का बहिष्कार। रक्षाबंधन पर्व पर वीरांगनाओं का होगा सम्मान, मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश किए गए जारी। लाडले और आरएएस गजेंद्र शर्मा का हुआ सम्मान, ब्राह्मण सभा भवन में विप्र समाज द्वारा किया गया सम्मान। न्यायालय के एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय के खिलाफ एसडीएम को दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। विराट श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्ड का हुआ विमोचन। डॉक्टर मोमिता के साथ हुए अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। बंगाल में डॉक्टर से सामूहिक बलात्कार और हत्या के विरोध में झुंझुनू में चिकित्सकों का धरना, कैंडल मार्च और सेवाओं का बहिष्कार। बंगाल में एक भारतीय महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सा संगठन और उपचार संगठन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा झुंझुनू कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दिया गया, जिसमें सर्व समाज व विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। उपचार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कमल चंद सैनी ने बताया कि सभी चिकित्सकों ने ओपीडी, आईपीडी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार किया है। डॉक्टरों ने सरकार से निम्नलिखित मांगे भी की है, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सख्ती से लागू किया जाए, कार्य क्षेत्र पर महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। आईएमए के सचिव डॉक्टर लालचंद ढाका ने बताया कि झुंझुनू शहीद स्मारक से जेपी जानू स्कूल तक सर्व समाज और सभी संगठनों द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। उपचार के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कटेवा ने कहा कि भारतीय कामकाजी बहन बेटियों के साथ अन्याय को चिकित्सा समुदाय और झुंझुनू सर्व समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान आईएमए सचिव डॉक्टर लालचंद ढाका, उपचार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कमल चंद सैनी, उपचार जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कटेवा, उपचार प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण सुरा, डेंटल एसोसिएशन सचिव डॉक्टर कमल मीणा, अरिंदा अध्यक्ष डॉक्टर एस जबार, अरिंदा महासचिव डॉक्टर राजेंद्र ढाका, रेजिडेंट यूनियन अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सैनी, उपचार प्रवक्ता डॉक्टर कैलाश राड आदि मौजूद रहे। इसके अलावा कई वरिष्ठ चिकित्सक और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल हुए। रक्षाबंधन पर्व पर वीरांगनाओं का होगा सम्मान, मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश किए गए जारी। रक्षाबंधन पर्व पर वीरांगनाओं का सम्मान होगा, इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान के निर्देशक ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने समस्त राजस्थान के जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है, जिसमें कहा गया है कि वीरांगनाओं का रक्षाबंधन पर सम्मान किया जाए। मुख्यमंत्री की ओर से जारी निर्देश के अनुसार रक्षाबंधन पर्व पर वीरांगनाओं के सम्मान में 2100 रुपए नगद, मिठाई की टोकरी, श्रीफल, शॉल और संदेश, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा संदेश लिखा होगा, वह संदेश भेंट किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। सूरजगढ़ के लाडले और आरएएस गजेंद्र शर्मा का हुआ सम्मान, ब्राह्मण सभा भवन में विप्र समाज द्वारा किया गया सम्मान। सूरजगढ़ कस्बे के होनहार व आरएएस बने गजेंद्र शर्मा का उनकी जन्म स्थली पर विप्र समाज द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। ब्राह्मण सभा भवन में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विनोद शर्मा की अगुवाई में आयोजित किए गए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएएस गजेंद्र शर्मा थे। अध्यक्षता पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व पालिका अध्यक्ष हीरालाल जोशी, पूर्व प्राचार्य विष्णु शर्मा, डॉक्टर अनिल शर्मा अनमोल, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के अध्यक्ष विनोद शर्मा, मंत्री राजेंद्र भट्ट की अगुवाई में सर्वोच्च न्यायालय के एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय के खिलाफ एसडीएम को दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया की अगुवाई में सर्वोच्च न्यायालय एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय के खिलाफ एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को दिए गए निर्णय के विरोध में एससी एसटी वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण और क्रिमिलियर लागू करने के खिलाफ बताया जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय से एससी एसटी वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई है, जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये निर्णय 2004-05 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले को पलटता है, जिससे एसटी एससी वर्ग के भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण
अस्वीकार्य माना जाता है। इसके साथ ही 21 अगस्त को होने वाले संपूर्ण भारत के समर्थन में पिलानी विधानसभा क्षेत्र के सभी कस्बों के बंद रखने का भी आह्वान किया गया है। इससे पहले 21 अगस्त को भारत बंद की तैयारियों के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की बैठक झुंझुनू में आयोजित हुई, जिसमें भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और जिम्मेदारियां दी गई। विराट श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्ड का हुआ विमोचन। नवलगढ़ मुख्य बाजार के नाहर सिंह पार्क स्थित श्री छोटे गोपीनाथ जी मंदिर में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी विराट महोत्सव का कार्ड विमोचन हुआ। पुजारी शेखर शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर दही हांडी उत्सव और धार्मिक नृत्य और झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन प्रातः 7:15 बजे विप्र पंडितों यजमानों द्वारा 51 बाल लड्डू गोपालों का दिव्य अभिषेक, दोपहर 1:15 बजे संगीत में जन्माष्टमी कथा, 3:15 बजे से 8 बजे तक श्री लक्ष्मीनाथ महिला मंडल फतेहपुर की गायक कलाकार त्रिवेणा भोजक व मंडली द्वारा महिला कीर्तन, शाम 8 बजे से अर्धरात्रि 12 बजे तक सुप्रसिद्ध भजन कलाकार विश्वनाथ बावलिया फतेहपुर द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया जाएगा। इस दौरान मंदिर को अलौकिक श्रृंगार भी किया जाएगा, फूलों से श्रृंगारित किया जाएगा। डॉक्टर मोमिता के साथ हुए अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, फांसी देने की मांग। कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में चिड़ावा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष मनेंद्र सिंह की अगुवाई में इस विरोध प्रदर्शन में सभी एकजुट होकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए नजर आए।